अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तार तृतीय त्रैमासिक फलाफल घोषणा करिछि। परिचालनागत दक्षता वर्ष पर वर्ष 35% वृद्धि घटिछि, जहाँफल कंपानीर क्षमता 7324 मेगावाट को वृद्धि पाइछि। 8300 मेगावाट पावर प्लांटर कार्य संपूर्ण होइछि, जहाँ देश में सर्वाधिक शक्ति जोगाण क्षेत्र में ईबीआई टीडीए 44% वृद्धि सह यह 3570 कोटी पहुंची। 2023 आर्थिक वर्षर नवम मास भितर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 1915 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पर कार्यक्षम हो। राजस्थान में 1440 मेगावाट क्षमता विशिष्ट देशर प्रथम एवं विश्वर सर्वबृहत सोलार विंड हाइब्रिड प्लांट लगी। मध्यप्रदेश में 325 मेगावाट क्षमता विशिष्ट विंड पावर प्लांट लगी। राजस्थान में 150 मेगावाट सोलार पावर प्लांट लगी। 450 मेगावाट विंड पावर एवं 50 मेगावाट सोलार प्रकल्प पर 2023 आर्थिक वर्षर तृतीय क्वार्टर में सेसी सह पावर परचेज एग्रीमेंट करा जाई छी। सोलार क्षेत्र में 24% वृद्धि घटी। गुजरात में 150 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन सह विंड पावर में 27% वृद्धि होई। विद्युत विक्रय क्षेत्र में वर्षक वर्ष 69% अभिवृद्धि होई। शक्ति जोगाण क्षेत्र में वर्षक वर्ष 39% वृद्धि होगा सह यह 3695 कोटी टंकारे पहुंची। क्याश प्रॉफिट 41% वृद्धि सह यह 1827 कोटी टंकारे पहुंची। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रे 97% क्रेडिट रेटिंग ए रु ए मध्यरे रहुची। 684 मेगावाट क्षमता विशिष्ट कुमुटी प्लांट क्रेडिट रेटिंग ए प्लस रु ए को बढ़िची। ता एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पक्षरु सस्टेबिलिटी 4.0 रे लीडर अवार्ड मिलिची। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड प्रति वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र रे बढ़ी चलिची। तमिलनाडुर कमुठी में 648 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट गोटे स्थान में स्थापन होता विश्वर सबुठ बड़। 23 आर्थिक वर्ष शेष सुधा यह 8300 मेगावाट क्षमता में पहुंच। ईएससी फ्रेमवर्क भितर रही काम कर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।